मैं 3 तारीख को यहाँ से निकली थी, 4 को मैं करीब 11:20 पर मैं चंदपा कोतवाली तक पहुँच गई थी। सब पूछते पाछते थोड़े जो कांटेक्ट थे मेरे उनसे कि कहाँ जाना रहेगा, कौन सी बस पकड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया लेते लेते मैं चली गई। तो करीब 6 तारीख के 2-3 बजे तक मैं वहाँ पर थी दोपहर तक। और अगर आरोप है कि भाभी बन के रही थी तो ये सरासर गलत है। मैंने ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। मुझे बताया जाए कि मैंने कौन सी लाइन में कहाँ बोला है ये मुझे नहीं पता, कि कौन क्या बोल रहा है ये मुझे सारी जानकारी नहीं, क्योंकि पूरा मीडिया था, मुझे नहीं पता मेरे पीछे कौन सा कैमरा क्या बोल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, मैंने जैसा कि अदर चैनल्स को बताया है कि मैंने परिवार को काफ़ी मोरल सपोर्ट किया। मैंने पूरी तरह से एश्योर किया कि पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर आपने एक बेटी खोई है तो आपने दूसरी बेटी पाई है, दूसरी बेटी आपकी डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, आपके साथ हमेशा खड़ी है। जब आपको जरूरत पड़ेगी, जिस तरह की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको साथ खड़े होने की जरूरत पड़ेगी, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी। आपका फ़ोन आएगा मैं मैनेज करूँगी, क्योंकि मैंने शिक्षा हासिल की है कुछ अच्छे काम के लिए, केवल नौकरी करने के लिए, पेट भरने के लिए नहीं की है। अगर मेरी, मैंने उनको बता के भी, अगर इस सिलसिले में अगर मेरी नौकरी भी जाती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी चाय बेचना आता है, मुझे भी चाय बना के पेट भरना आता है, मुझे भी भीख मांगना आता है, तो कुछ ना कुछ तो कर लूँगी अपना पेट भरने के लिए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने परिवार वालों को भड़काया, गाँव वालों को भड़काया, क्या सच्चाई है, क्या कहना है आपका? तो उसके लिए सबूत पेश करें, कोई कौन सी लाइन बोली, किसने भड़काया, थोड़ा सा सबूत तो देना पड़ेगा कि मैडम आपने ये लाइन बोली, क्योंकि आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोई भी किसी पे लगा सकता है। आरोप को आपको तो क्लियर तो करना पड़ेगा ना, मुझे पता ही नहीं है कि किस कौन सा आरोप लग रहे हैं। कब आपके मन में आया कि आपको हाथरस जाना चाहिए, और पूरा जो आपने देखा, क्या देखा वहाँ हाथरस जाकर, क्या सच्चाई थी? देखिए, मन में तो मेरे बहुत टाइम से चल रहा था, जैसे उन्नाव केस हुआ था तभी भी मैं बहुत जाना चाह रही थी, तो तभी भी ये नहीं जाने दिए। वहाँ पे भी थोड़ा सा ये कि लोगों की भीड़भाड़ इतनी हुई। अभी आपको याद होगा शिवपुरी का केस हुआ था जिसमें किसान परिवार को मारा, वहाँ पे भी मैं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कांटेक्ट मिल गए थे, क्योंकि मैं ग्वालियर की हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने पूरी जानकारी ली कि किस तरह का क्या है, मैं वहाँ भी जाना चाह रही थी। तो उन लोगों ने बोला कि हाँ, हमने आर्थिक सहयोग कराया, ये कराया, हम साफ साथ हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में ये हो गया था कि मुझे परिवार की कोई जानकारी ही नहीं मिल रही थी, परिवार को नज़रबंद कर दिया गया था। तो मुझे पता है कि नियम कानून मैं भी जानती हूँ, मैंने भी कानून पढ़ा है, तो कौन से नियम कानून के तहत ये परिवार को नज़रबंद कर रहे हैं, पीड़ित को और क्यों पीड़ित कर रहे हैं? मुझे बहुत गुस्सा आया। तो फिर मैंने सोचा कि VIP लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं, को नहीं मिल दे रहे हैं, लेकिन किसी आमजन को तो नहीं रोकना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर हूँ तो इस हैसियत से जा सकती हूँ, मैं बहुत टाइम से सोशल वर्क कर रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, शायद इस हैसियत से जा सकती हूँ, तो मुझे रोकने का कोई औचित्य नहीं दिखता था। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि 29 तारीख से लेकर 2 तारीख की रात तक मैं पिछले 2-3 दिनों से बिल्कुल नहीं सोई थी। मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूँ, या तो देश छोड़ के भाग जाऊँ, या क्या करूँ मैं, किस तरह से आगे हम सर्वाइव करें, क्योंकि ये मेरे लिए अकेले की बात नहीं थी, आने वाले फ्यूचर में हमारी और भी बेटियों का सवाल था कि वो फिर क्या करेंगी इस तरह से, कि अगर इस तरह आज रात में जलाया है, कल दिन में जलाएंगे, परसों घर में घुस के जलाएंगे, तो किसी को तो रिएक्ट करना पड़ेगा। तो मेरे लिए, मैं बहुत रोई 2-3 दिन में। फिर मैंने हस्बैंड को बोला सुबह रोके कि मुझे जाना है, उन्होंने बोला नहीं, सेफ नहीं रहेगा, नहीं जाना है। तो मैंने बोला आप इमेजिन करो कि अगर आपके घर वाले होते कोई खास, तब भी आप यही बोलते कि नहीं जाना है, तो फिर उनको थोड़ा लगा कि मानेगी नहीं, जिद करेगी। तो फिर मुझे उन्होंने जाने के लिए बोला, बस। ऐसे पहले भी आपने कई बार किया है? मैं करती रहती हूँ जितना मेरे से पॉसिबल, अगर आप चाहें तो मेरा देख सकते हैं पूरा बैक रिकॉर्ड। जब नज़र बंद थे तो आप अंदर कैसे? मैं ये हाँ, मुझे ये पता था, हालांकि मेरा, मैंने सुबह 8-9 बजे डिसाइड कर लिया था मुझे जाना है, लेकिन 12-1 बजे तक चैनल्स को मैं ट्रेस कर रही थी, तो पता चल गया था कि मीडिया को अलाउ कर रहे हैं, तो ये मुझे पता चल गया था कि अलाउ कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने कहा अगर रोकते हैं तो मैं इस डर गुस्से से गई थी कि अगर रोका नहीं मिलने दिया तो मैं वहाँ अनशन पर बैठ जाऊँगी, मैं उनसे नियम कानून पूछूंगी कि किस नियम कानून की तरह परिवार को नहीं मिलने दे रहे हो, क्योंकि मुझे ये डर था कि उन्ना पीड़िता की तरह इस परिवार को कहीं गायब ना करवा दे, कहीं इस परिवार को भी ना कुचलवा दे। मैं वहाँ देख के आना चाहती थी मैं, और इसलिए मेरा प्लान था कि मैं शाम को लौट आऊँगी 1-2 घंटे देख करके, और मेरा ये अगले दिन का मेरा रिटर्न रिजर्वेशन भी था मेरा। गए कब से और लौटे कब? मैं 3 तारीख को यहाँ से निकली, तो 4 को मैं हाथरस पहुँच गई थी दोपहर 11:30 तक। तो फिर मैं 4 को रही, 5 को रही, 6 के 2-3 बजे तक मैं वहाँ रही 6 तारीख तक। SIT अब आपसे पूछताछ कर सकती है पूरे मामले को लेकर, क्या तैयारी आपकी है, क्या सच्चाई आपकी? तो मैं उनको पूरा सहयोग करूँगी, जो मेरे से जानना चाहेंगे मैं उनको पूरी जानकारी दूंगी। पर जो अभी खबरें आ रही हैं, हम लोग नहीं कह रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि आप उनके परिवार के रिश्तेदार बन गई थी, और फिर आपने इंटरव्यू में घूंघट पहन के, क्या ये क्या तो सर, ये मैं घूंघट क्यों पहनूंगी? घूंघट पहनना होता तो मैं यहाँ पे भी घूंघट पहनूंगी, मैंने आज तक घूंघट नहीं पहना। अगर जो बोल रहे हैं तो पहले अपना सबूत उनको रखना पड़ेगा, तभी तो मैं बात करूँ। मुझे नहीं पता कौन क्या खबरें चला रहा है, लेकिन अगर वो मुझसे मिलने आएंगे और पूरा सामने साक्ष्य रखेंगे तो तभी मैं बात कर पाऊंगी ना। तो मैं केवल अपना पक्ष रख सकती हूँ, मैं उनका पक्ष नहीं रख सकती हूँ अभी। तो आप एक ही समाज के लिए करती हैं कि मतलब कई समाजों के लिए इस तरह? मुझे, मेरा ये है कि जो मेरे से मदद मांगता है मैं सबके लिए करती हूँ,
जो मेरे से मदद की, मैडम ये दिक्कत है, मैडम यहाँ दिक्कत है। जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने काफ़ी राशन बंटवाया गरीब लोगों की जाके, अभी मैंने सब्जी के ठेले लगवाए, एक दो लोगों को मदद करी, मैंने फल के ठेले लगवाए एक दो लोगों की, जो मेरे से मदद मांगता है मैं कोशिश करती हूँ जितना संभव हो सके मदद करती हूँ मैं। किस तरह मदद, मतलब आपका एनजीओ है क्या है आपके पास? हाँ, पहले तो मैं सिंगल कर रही थी, फिर हाल में ही मैंने लॉकडाउन के पहले फरवरी में मैंने एक अपनी फाउंडेशन बनाई है, विदा लव फाउंडेशन। तो मैंने कहा अब मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करती हूँ और सिस्टमेटिकली काम करूँगी, लेकिन इस बीच में कोरोना आ गया तो वो अभी मैंने कोई काम ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को इकट्ठा करना, उनको लेके चलना बड़ी दिक्कत बात है। अगर आप कुछ बाकी में चेंज चाहते हो तो आप खुद जिम्मेदारी लो और खुद आगे बढ़ो, मेरा ये मानना है। जबलपुर में जो भी आंदोलन हुआ उसमें भी आपने भागीदारी? मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं कि गलत का हमेशा विरोध करती हूँ, मैं शुरू से करती हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे बहुत बुरा लगा था तो हम लोगों ने कैंडल मार्च किए, मैंने बोला मैंने कि मैं जो भी कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए, महिलाओं को इकट्ठा किया कि आप आओ बाहर, आवाज़ उठाओ, कैंडल मार्च, ज्ञापन वगैरह, ये सब हम करते रहते हैं। NIC और CA का जब विरोध हुआ, जब भी आपने कितना भागीदारी रही आप? जहाँ पर जो मैं जिस, क्योंकि उसका जो लीगल और कानूनी फैक्ट बताना था मुझे, जो नहीं समझ रही थी महिलाएँ, जो नहीं जानती हैं, अनपढ़ थी, तो मैं जाके बताती थी, मैं मिलना जुलना करती थी लोगों से। तो किस तरह करती थी और कहाँ कहाँ किया आपने? मतलब जहाँ पे भी जो भी कोई बुलाए तो मैं बिल्कुल कभी मना नहीं करती थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं बस ये कि हाँ आ जाऊँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, मान लो संडे को टाइम मिल रहा है तो मैं संडे को आके समझा देती हूँ आपको। लोगों का मानना है कि लोग कह रहे हैं कि नक्सलाइट पे भी आपके संबंध है या अदर संस्थाओं से की जाए? वैसे तो मुझे हंसी आ रही है, और लोग तो कोई भी कुछ भी कहते रहते हैं, साक्ष्य प्रकट करेंगे तो फिर मैं उसमें अच्छे से आंसर कर पाऊँगी मैं।